सेगांव में पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग की हड़ताल के 9वें दिन समस्त अधिकारियों कर्मचारियों द्वारा अनूठे ढंग से प्रदर्शन कर शासन प्रशासन का ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया। संयुक्त मोर्चा के कर्मचारियों की आज 9 दिनों तक लगातार हड़ताल पर रहने के कारण हालत दिन प्रतिदिन दयनीय होती जा रही है। कर्मचारियों को पदोन्नति नहीं मिल रही है और न ही समय समय पर मिलने वाला महंगाई भत्ता। इसी प्रकार संविदा कर्मचारियों को गोपनीय प्रतिवेदन एवं सेवा समाप्त किए जाने के नाम पर आए दिन प्रताड़ित किया जाता है। 5 जून 2018 को सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा संविदा कर्मचारियों को नियमित किए जाने हेतु परिपत्र में उन्होंने सभी विभाग प्रमुखों निगम मंडल के वरिष्ठ अधिकारियों को निर्देशित किया था कि नियमित किए जाने हेतु तत्काल कार्यवाही की जाए, किंतु 3 वर्ष बीत जाने के बाद भी संविदा कर्मचारियों को आज तक नियमित नहीं किया गया। सेगांव से संजय जायसवाल की रिपोर्ट। आज ये अनूठा प्रदर्शन क्यों किया जा रहा है? सरकार के द्वारा हमारी मांगों के संबंध में अभी तक कोई विचार विमर्श नहीं किया जा रहा है। इस कारण से कल हमारे संगठन के द्वारा अर्धनग्न होकर प्रदर्शन किया जा रहा था और आज उसी कड़ी में हमारे द्वारा मोची के रोजगार को अपनाते हुए आज जूते चप्पल पॉलिश किए गए और लोगों के जूते चप्पल रिपेयर किए गए। क्या नाम लिखता? प्रकाश आरणे। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।